तो रेस्पिरेशन इस जो केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बनी थी, अब उसी को कन्वर्ट किया जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। दैट केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज फ्रॉम द लाइक फोटोसिंथेसिस दैट शुड बी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एटीपी। इट इज अ एक्सर्गोनिक प्रोसेस दैट मीन्स एनर्जी रिलीजेस एंड अकर्स इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द रेस्पिरेशन रिएक्शन इज लाइक ये जो है आपका वही जो C6H12O6 जो ग्लूकोज बना था वो ऑक्सीजन लेके ये क्या करेगा, एंजाइम्स की मदद से 6CO2, 6H2O और ATP काम करे। मतलब जो रिवर्स फोटोसिंथेसिस था उसी का उल्टा प्रोसेस ये पूरा चल रहा था। रेस्पिरेशन कैन बी लाइक कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। कंप्लीट होगा तो ये जो है आपके 686 किलो कैलोरी बनाएंगे और इनकम्प्लीट होगा तो ये पाइरूवेट, पाइरूवेट से या तो एल्कोहल या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर इज वन टर्म व्हिच इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, दैट अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कितना O2 कंज्यूम हुआ है, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है, वही आपका आप ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहलाता है। RQ रेशियो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड RQ वेरीज विद द सबस्ट्रेट एंड इट्स ऑक्सीडेशन। फॉर कार्बोहाइड्रेट द वैल्यू ऑफ RQ इज 1, ए यूनिटी होती है। फॉर फैट्स द RQ वैल्यू 0.36 एंड फॉर प्रोटीन इट इज 0.5। एंड लाइक सर्कुलर प्लांट्स जहां पे कि लेस देन यूनिटी और मोर देन यूनिटी हो सकते हैं। एंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलिक एसिड RQ की वैल्यू मोर देन द यूनिटी होती है। तो ये RQ की वैल्यू है किस किस सब्सटेंस के बेसिस पे क्या क्या जो होता है पाया जाता है। ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में आप CO2 बाई O2 कैलकुलेट करके देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना O2 यूज हो रहा है, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के ऊपर बात हो रही है। नाउ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू द 3 बेसिक पार्ट्स। वन इज लाइक ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल, यूकैरियोट में साइटोसोल दोनों जगह पे होता है। देन आफ्टर दैट इज अ क्रेब्स साइकिल, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, साइटोसोल में प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों चीजें होंगी, प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंड यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हियर जितने भी पर्टिकुलर प्लास्टिड है, स्टार्च, एक्सोज, ट्रायोज फॉस्फेट, यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ये कन्वर्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस से, ट्रायोज फॉस्फेट से ऑर्गेनिक एसिड से, इन सब चीज़ों में आता है। इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो भी हैं अल्टीमेटली ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, और ये हेक्सोज फॉस्फेट बनाता है और ये कन्वर्ट होकर साइक्लिक एसिड साइकिल में जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेंगे और करने के बाद फिर वो ATP का जनरेशन करेंगे। सो दिस इज द केस जो कि इन्वॉल्व होता है पर्टिकुलर चीजों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इसको हम EMP पाथवे जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, एम्डेन मेयरहॉफ पाथवेज के ऊपर बात करते हैं। एंड अकर्स इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे एब्सेंस हो चाहे प्रेजेंस हो ऑक्सीजन, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस पे कई जगहों पे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशन, मतलब डायरेक्ट सबस्ट्रेट के लेवल पे ही ATP बनता है। यहाँ पे कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कोई भी CO2 का रिमूवल नहीं होता। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है नो CO2 रिमूवल, कोई भी CO2 का रिमूवल नहीं हो रहा है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP सिंथेसिस होगी, ATP सिंथेसिस जो होगी डायरेक्ट सब्सट्रेट लेवल पे हो रही है। यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम होता है, 4 ATP प्रोड्यूस होता है और 2 NADH बनता है अल्टीमेटली। तो 2 पाइरूवेट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द ग्लूकोज। ये जो है ग्लाइकोलिसिस के कुछ बेसिक्स जो है इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू लर्न इट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्टेप्स, दिस 2 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वन इज प्रिपरेटरी एंड सेकेंड वन इज अ पे ऑफ फेजेस। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज। पहले आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा। नाउ सो दिस इज अ ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1-6-फॉस्फेट, वो ग्लिसरल डाइहाइड्रेट 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो नाउ
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन पे 6 कार्बन शुगर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज इज एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो हेक्सोकाइनेज होगा। यहाँ पे देखा वो पहला एंजाइम 1, 2, 3 लिखा हुआ एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज इज यूज। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, इस एटीपी से ट्रांसफर करेगा, कौन से पोजिशन पे ट्रांसफर करेगा, 6 पोजिशन पे। यहाँ पे देखिए 6 पोजिशन पे ये जो है फॉस्फेट ग्रुप एड कर दिया गया है। आफ्टर दैट 6 कार्बन से 6 कार्बन अभी भी ये रहा, इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेजेस यूज होंगे। ये पर्टिकुलर केस में जो 6 इस तरीके से कार्बन दिख रहा था, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग था, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया। नाउ देयर इज अ सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन, यहाँ पे सेकेंड प्राइमिंग होगा, मतलब सेकेंड एटीपी का यूज होगा, यहाँ पे एटीपी यूज होगा और ये होगा फर्स्ट पोजिशन पे हियर, एंड यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, दिस इज द सेकेंड पोजिशन। तो अब ये जो है यहाँ से इन्वॉल्व हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट और सेकेंड पे आपने क्या कर दिया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जो है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज, ये दो ऐसे हैं जो इररिवर्सिबल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यानी दे आर रेगुलेटरी। ये जो है वो कैसे हैं, वो रेगुलेटरी हो गए, रेगुलेशन किया जाएगा, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। बिकॉज इनका डायरेक्शन देखोगे तो इररिवर्सिबल है, ठीक है, इररिवर्सिबल है मतलब रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, यूनि डायरेक्शनल स्टेप्स में चल रहे हैं, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ अब इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 से अब ये कन्वर्ट होगा एक ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज से। ये अभी तक 6-6 कार्बन चल रहा था, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द 3 कार्बन हियर एंड 3 कार्बन हियर, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आपके केसेस हो गए प्रिपरेटरी फेज के। 1 मोल ग्लूकोज से 1 मोल ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट और 1 मोल जो है DHAP बना। ये दोनों आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरेज से शिफ्ट होते रहते हैं, यानी DHAP जो है वो ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट से G3P से इंटरचेंजेबली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज अ पे ऑफ फेज, लेट्स टॉक अबाउट द पे ऑफ फेजेस। पे ऑफ फेजेस में जब हम बात करते हैं तो ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट 2 मोल बना, ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ये फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट और ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड ये पाइरुवेट। ये क्या है, दिस इज योर पे ऑफ फेज। अब यहाँ पे ATP बनेगा, पहले जो इन्होंने पहले प्रिपरेशन किया 2 ATP लगा के, अब 4 ATP बनाएंगे। ये तो ग्लिसरीडाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो अगेन देयर इज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADH का सिंथेसिस होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन हुआ है, और फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल को है, क्योंकि नॉर्मली क्या, नॉट सबस्ट्रेट लेवल, ये क्या है, ये नॉर्मल एडिशन किया जा रहा है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ स्टेप के बाद देयर इज अ सेवेंथ स्टेप, अब इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करते हैं। सेवेंथ है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये जो है सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशन करेगा। यहाँ पे ATP बना, पहला ATP बना दैट विल लीड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशन करेगा। इसके बाद 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो में, देखिए यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप था, ये यहाँ पे था, तो इन्होंने क्या किया, पहले और तीसरे पोजिशन पे जोड़ दिया था। नंबरिंग इसकी कैसी होती है, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो पहले और तीसरे नंबर पे जोड़ दिया था। इसके बाद पहला वाला रिमूव हो गया, पहला दूसरा तीसरा, और फिर ये तीसरा वाला भी रिमूव हो जाएगा, पोजीशन इसने शिफ्ट करके दूसरे पे आ गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके बाद ये जो है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। एंड देन इसके बाद द सेकेंड स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दैट इज अ 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे पाइरुवेट काइनेज एक एंजाइम होता है जो कि सिंगल डायरेक्शन है। अभी तक आप देख रहे होंगे एक और है यहाँ पे, दैट इज ए ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, बट इट इज नॉट रेगुलेटरी, रेगुलेटरी ये नहीं होता है। पाइरुवेट काइनेज शुड बी रेगुलेटरी, अब ये रेगुलेटरी होगा और ये चीज जो है रोल प्ले करेगा सिंगल स्टेप में। ATP बना, तो आपने देखा सिंगल डायरेक्शन स्टेप जो है कैन बी रेगुलेटेड, सिंगल डायरेक्शनल स्टेप रेगुलेटेड होते हैं, बाई डायरेक्शनल स्टेप कैन नॉट बी रेगुलेटेड, क्योंकि उनको रेगुलेट करोगे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ शिफ्ट होते हैं भाई। सिंगल रिएक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड एंड टेंथ जो होते हैं, दैट मीन्स जो एंजाइम्स की बात अगर हम करेंगे तो हेक्सोकाइनेजेस
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेजेस एंड पाइरुवेट काइनेजेस को रेगुलेट किया जा सकता है। एटीपी जो है कंज्यूम्ड हुए हैं पहले और तीसरे स्टेप्स में, एनएडीपीएच बना है सिक्स्थ स्टेप में और एडीपी प्रोड्यूस हुआ है सेवेंथ स्टेप में। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया कि ये जो है गर्लफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड के बाद क्या था, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड ने, जीएफ गर्लफ्रेंड की फ्रेंड ने गोलगप्पा खाया, गोलगप्पा खाने के बाद धप्पा मारा, धप्पा मारने के बाद फिर जो है ये क्या किया कि पेप पेप करते हुए निकल लिए। इस तरीके से कोड बना सकते हैं, यू कैन लर्न, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें चलती रहती हैं कैसे 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 पूरा स्टेप हो रहा है। रेगुलेटरी एंजाइम्स में हेक्सोकाइनेजेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेजेस एंड पाइरुवेट काइनेजेस चलते रहते हैं, ये तीन स्टेप्स पे होते हैं। अगर हम रेगुलेटरी एंजाइम्स या रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस के ऊपर बात करें तो दीज आर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नाउ हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट होता है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। रेगुलेटरी के लिए पॉजिटिव रेगुलेशन ग्लूकोज करेगा, नेगेटिव रेगुलेशन ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट करेगा। इसी का अल्टरनेटिव ग्लूकोकाइनेज होता है जो कि रेगुलेटरी नहीं होता है, ओनली फॉर ग्लूकोज होता है। ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली फॉर ग्लूकोज एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड। ये रेगुलेटेड जो होता है वो नहीं होता, नॉन एलोस्टेरिक है, नॉन रेगुलेटरी होता है। हेपेटिक सेल है, बीटा सेल पैनक्रियाजेस में पाए जाते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट से 1,6-20 फॉस्फेट में स्टेप थ्री होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। एलोस्टिक ये भी होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसका रेगुलेशन के लिए ध्यान रखना कि 26 फ्रक्टोज 2,6-20 फॉस्फेट जो होते हैं वो इसका पॉजिटिव रेगुलेटर है और नेगेटिव रेगुलेटर 1,6 होता है। किसी भी स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा उसका फीडबैक या नेगेटिव रेगुलेटर होता ही होता है। और यहाँ पे 2,6 इज नॉट द प्रोडक्ट, ध्यान रखना 2,6। 16 की उम्र में अगर व्हाट्सएप यूज करोगे मम्मी कूटेगी, 26 की उम्र में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 इज पॉजिटिव रेगुलेटर, 16 इज नेगेटिव रेगुलेटर। 16 की उम्र में फ्रेंड नहीं बना सकते और 26 की उम्र में बना सकते हो। नाउ इसके बाद देयर इज लाइक पाइरुवेट काइनेजेस रेगुलेटरी के केसेस में जो कि स्टेप 10 था, इसका पॉजिटिव रेगुलेटर एएमपी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट हैं। और प्रोडक्ट जैसे एटीपी प्रोडक्ट है, एसिटाइल कोए प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो कि आगे के प्रोडक्ट, एसिटाइल कोए आगे प्रोडक्ट में यूज होता है, आगे अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है बनेगा जो कि लिंक रिएक्शन से। तो अल्टीमेटली जो इसके आगे की चीजें होंगी, हमेशा ध्यान रखना किसी स्टेप में हमेशा आगे की चीजें निगेटिव फीडबैक करते हैं और पहले की चीजें उसको प्रमोट करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। डीहाइड्रोजिनेज को आइडो एसिटेट जो होता है इनहिबिटर की तरह काम करता है, जहां पे 2-NADPH बन रहा था ये काम कर सकता है। और एनोलेज जो कि स्टेप 9 था जहां पे पीईपी बन रहा था उसका इनहिबिटर फ्लोराइड होता है, तो दे कैन बी इनहिबिट बट इन जो होते हैं रेगुलेटरी नहीं होते, इनहिबिटर्स जो हैं आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस लाइक पाइरुवेट, पाइरुवेट के केसेस में जब हम बात करते हैं फेट ऑफ कार्बन के लिए, तो फेट ऑफ कार्बन जो होता था वो तीसरा चौथा फर्स्ट कार्बन पीजीएलए पे जाता था, फर्स्ट पाइरुवेट पे, सेकंड फिफ्थ सेकंड पे जाता था, थर्ड फर्स्ट एंड सिक्स्थ थर्ड पे जाते थे, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। पाइरुवेट कैन बी गो फॉर दिस थ्री पाथवेज, ये जो है या तो आपके एथेनॉल पे जाएगा, फर्मेंटेशन टू द एथेनॉल हाइपोक्सिक या एनरोबिक कंडीशन में 2 ATP बनाएगा, या ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पे बनाए अभी बात करेंगे, या लैक्टेट बनाए जहां पे 2 ATP का प्रोडक्शन होता है। नाउ जो मैंने फेट के ऊपर बात करी, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो है ये क्या हो रहे थे कि दिस इज लाइक थर्ड एंड फोर्थ दे विल फॉर्म फर्स्ट वन ऑफ दिस, ठीक है ये करेंगे। और उसके बाद जो होता था टूटेगा कहाँ से, ये एक्चुअली टूटता है इस लेन से, यहां से टूटता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इस लेन से टूटेगा, तो इसके ऊपर ये एक तरीके से पहला दूसरा तीसरा ऐसे बनेगा और इसके नीचे से टूटेगा 1, 2, 3, हाफ से इसको तोड़ दो बीच में से, और बीच में से इसको 1, 2, 3 ऊपर नीचे कर लो, तो ये हो जाएगा 3 and 4 फर्स्ट होगा, सेकंड और फिफ्थ सेकंड होगा, और थर्ड जो फर्स्ट एंड सिक्स जो होंगे वो थर्ड पे आ जाएंगे। ये एल्डिहाइड है, वही पाइरुवेट का भी किस्सा होगा, पाइरुवेट में भी ये चीज अगर आप देखोगे दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो आया होगा किससे, किस पर्टिकुलर से, 3/4 ऑफ ग्लूकोज, सेकंड आया 2/5 से और थर्ड आया 1/6 से, ये चीज चलती रहती है। नाउ पाइरुवेट कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो पाइरुवेट के ऊपर जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट के ऊपर बात करते हैं, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रेजेंट मेनली मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यूकैरियोट्स एंड साइटोसोल इन द प्रोकैरियोट्स। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें और डीकार्बोक्सिलेशन CO2 का रिमूवल भी होगा। फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा देन ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसमें जो है सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगा देन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा।
पायरुवेट के केसेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम एएसएच को यूज करेगा, एनएडी प्लस को यूज करेगा और कई सारे को फैक्टर्स है टीपीपी लिपोएट एफएडी और ये एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सीओ टू को बाहर निकलेगा। देखो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी कि थर्ड ये जो है पहला दूसरा और तीसरा, यानी पहला वाला कार्बन जो है वो निकल गया, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑफ ग्लूकोज जो कि यहाँ पे खत्म हो गया। ये प्रोसेस जो है इस तरीके से कैरी आउट होता है। इसमें जो एंजाइम चाहिए वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्सेस जो कि मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है, जिसमें तीन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एक होता है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और एक होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। कभी भी ऑक्सीजनेज वगैरह नहीं यूज होते हैं, दो डाईहाइड्रोजनेज है और एक है ट्रांस एसिटाइलेज। ईवन 24 पेप्टाइड का बना होता है जिसका को फैक्टर टीपीपी होता है, ई टू 24 पहले पेप्टाइड जिसका को फैक्टर लिपोइट होता है और जो आपका ई थ्री होता है इसका को फैक्टर एफएडी और एनएडी प्लस जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म हियर। इस पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है कि पहले पायरुवेट है, पायरुवेट से CO2 निकला, निकलने के बाद ये देखिए हाइड्रोक्सी एथाइल टीपीपी, टीपीपी जो है जुड़ेगा यहाँ से CO2 को निकाल के हाइड्रोक्सी एथाइल टीपीपी, ये एंजाइम E1 का काम था। फिर ये वापस टीपीपी यहाँ से जुड़ेगा और इस ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोमाइड में, ये डाईहाइड्रोलिपोमाइड जो है E2 का काम है, लिपोमाइड को जुड़ेगा, ट्रांसफर किया, फिर लिपोमाइड अलग होगा, अलग होगा तो यहाँ पे कोएंजाइम को जोड़ के एसिटाइल को ए बना दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सबसे पहले एफ ए डी लेगा, एन ए डी नहीं लेता, सबसे पहले एफ ए डी लेगा, वो आपके एफ ए डी एच टू में जाएगा, फिर वो एन ए डी प्लस को देके एन ए डी एच में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दीज थ्री एंजाइम्स, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देने की कोशिश करिएगा, पायरुवेट से CO2 निकला, इसके बाद टीपीपी से पायरुवेट टीपीपी हाइड्रोक्सी एथाइल टीपीपी बना, दूसरा एंजाइम इसको इसमें वापस कन्वर्ट करते हुए लिपोलाइसिन से जोड़ेगा, इसको जोड़ने के बाद क्या करेगा कि ये फिर से दूसरा एंजाइम क्या है कि को एंजाइम ए को लेगा, लेके एसिटाइल को एंजाइम ए बना दिया और फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एफ ए डी को दिया वो एफ ए डी एच टू में और ये फिर एन ए डी प्लस को लेके एन ए डी एच टू एन ए डी एच को दे दिया। सो दिस इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स वन। डिहाइड्रोजनेस किया पहले यहाँ पे CO2 का रिमूव करके, फिर एसिटाइलेशन मतलब यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप को CO से जोड़ा, फिर लास्ट में जो है डिहाइड्रोजनेसेस जो है ये डाइहाइड्रोलिपोएट क्या किया कि NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द प्रोसेस जो ये चीज हो रही थी। नाउ इसके बाद रेगुलेशन जो होते हैं कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से हो सकते हैं, फॉस्फोरिलेशन एट द सेरीन इनएक्टिव कर देगा, डिफॉस्फोरिलेशन आपके एक्टिव कर देंगे। नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में E2 और E3 का किया जाता है, E1 का नहीं किया जाता। जब हम इस केस में बात करते हैं तो पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए कोएंजाइम ए, नेगेटिव रेगुलेशन के लिए एसिटाइल कोए और E3 के लिए पॉजिटिव रेगुलेशन NAD+ और नेगेटिव के लिए NADH। हमेशा ध्यान रखो सबस्ट्रेट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन किसी भी प्रोसेस का होता है और आपका एसिटाइल कोए हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन या प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव रेगुलेशन होता है। नाउ जो मैंने अभी को फैक्टर यहाँ पे फिट बताया था कि तीसरा चौथा जो PGL का पहला कार्बन या पायरुवेट का पहला कार्बन था वो रिलीज एज द CO2, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज के अगर किसी कार्बन को लेबल करेंगे तो वो है तीसरा चौथा, अगर हमें CO2 में कोई चीज लेबल मिल रहा है तो वो वही चीज होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। क्रेब साइकिल क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट यूज्ड बाय द ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज द स्टोर्स एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए। जो एसिटाइल कोए आपका बना था यहाँ पे उसी एसिटाइल कोए को अब हम कन्वर्ट करेंगे कुछ और पार्ट में। दिस इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये जो है वो आपका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, चार स्टेप्स में ऑक्सीडेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दो स्टेप पे रेगुलेटेड है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, साइट्रिक एसिड साइकिल TCA साइकिल कहलाता है, यूकैरियोट में मैट्रिक्स में होता है, प्रोकैरियोट में साइटोसोल में होता है, आठ स्टेप जो होते हैं ये पाए जाते हैं। नाउ ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब सीधी सी बात है NADH का बनना या FADH2 का बनना, ये चीज होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल होना, ठीक है, CO2 का रिमूवल होना। और अगर हम बात करते हैं आपके नॉर्मली इन दिस केसेस ये चीज चलती रहती है, ध्यान रखिएगा
ये जो है CO2 का बनना, रिमूवल होना, ये जो प्रोसेस होते हैं ये आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में। और अगर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था कि मतलब CO2 रिमूव हो रहा है और इसके साथ साथ NADH भी बन रहा है, ये दो स्टेप पे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। एक स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है। ठीक है, STP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP जो होता है एट वन स्टेप होता है। लेट्स सी, दिस इज द केस। ये देखिए एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये मिलता है ऑक्सिलो एसिटेट से। ऑक्सिलो एसिटेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, चार कार्बन है, 1 2 3 4 जुड़ा साइट्रेट सिंथेस कंडेंसेशन प्रोसेस से। ये है चार कार्बन ऑक्सिलो एसिटेट, ये है टू कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए, एक दूसरे से मिलके छह कार्बन का साइट्रेट बना दिया। साइट्रेट जो है छह कार्बन का है। इसके बाद हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और कोनिटेज से ये है आइसोसाइट्रेट, जिसपे ओएच का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया बीच में। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे आइसोसाइट्रेट और साइट्रेट में ओएच का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज अ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होगा, मतलब CO2 का रिमूवल और NADH, ये हुआ। अल्फा कीटोग्लूट्रेट यानी पांच कार्बन का कंपाउंड बना। आइसोसाइट्रेट अभी भी छह कार्बन का था, लेकिन अल्फा कीटोग्लूट्रेट द ओनली कंपाउंड विच इज अ 5 कार्बन। और ये अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलरली ये कार्बन अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चले तो ये इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ था, ये इनकॉर्पोरेट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिस वन ये इनकॉर्पोरेट हुआ है यहाँ पे, अभी भी ये चीज इस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में था। नाउ अब ये जो है CO2 कहाँ से निकला था, CO2 निकला था इस पर्टिकुलर पोजीशन से। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहे तो ये वाला पार्ट जो है ये CO2 ये यहाँ पे इस तरीके से निकल गया। नाउ अब इसके बाद हियर ये वाला जो केस है फिफ्थ कार्बन वाला, ऊपर वाला अभी भी इसी तरीके से कोएंजाइम ए रखा, तो ये वाला CO2 जो है अब यहाँ से निकल गया। ये CO2 जो है यहाँ से निकला इस पर्टिकुलर केस में। तो आप देख सकते हो कि कौन सा CO2 निकला है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो आपने CO2 रखा था वो CO2 निकला ही नहीं, मतलब वो CO2 अभी भी यहीं तक है। देखो वो CO2 अभी भी यहीं पे है, वो यहीं पे रह जाता है। मतलब लेबल्ड फॉर्म अगर रखोगे तो वैसे ही रह जाएगा जो आपने भेजा था। इसके बाद आगे वाला फिर इसी तरीके से जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केस। ये चीज आपकी इन्वॉल्व होती रहती है और चल रही होती है। फेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कोई भी CO2 रिमूव नहीं होता जो आपका यहाँ पे आया हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। 5 कार्बन एक बार फिर से देखिएगा, ऑक्सिलोएसिटेट क्या बना है, साइट्रेट, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, NADH बना, CO2 रिमूव हुआ। अल्फा कीटो से जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है CO2 रिमूव होता है, NADH बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है, तो ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा केस। सक्सिनेट से फिर ये फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से यहाँ पे FADH2 बनता है, फ्यूमरेट से जब मैलेट बनता है तो NADH बन सॉरी मैलेट से जब ऑक्सिलोएसिटेट बनता है तो NADH बनता है, और सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है तो GTP का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 NADH मिलेगा आपको, 1 FADH2 मिलेगा और एक जो है वो आपका GTP मिलने वाला है, ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो क्रेब साइकिल का ये पूरा का पूरा पंगा है। अगर आप देखोगे क्रेब साइकिल के केसेस में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लोकेशन बता चुके हैं, साइटोसोल में 2 NADPH 2 ATP बनते थे ग्लाइकोलिसिस में। क्रेब साइकिल में क्योंकि ये साइकिल दो बार रिपीट होती है, क्योंकि एक बार में आपके एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में होगा जबकि दो एसिटाइल कोएंजाइम आपके बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो दैट्स वाई 6 NADH 2 FADH2 और 2 ATP ये जो होते हैं दो बार में बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया से जो कि पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज से 2 NADPH बन रहे थे, तो अल्टीमेटली अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में 25 ATP बनता है, साइटोसोल में 5 से 7 ATP बनते हैं, एंड दे विल फॉर्म द 32 to 30 ATP डिपेंड्स अपॉन द ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल या आपके मैलेट स्पार्टेट सटल में। 32 ATP नियरली अबाउट द 970 kJ पर मोल इस तरीके से, या किलो कैलोरी पर मोल से आप कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ नेट आउटपुट ऑफ द क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से ये बनते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पर ग्लूकोज इतना हो जाएगा, एंड ऑल अल्टीमेटली टर्न इन टू द ATP इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन। तो 32 ATP जो होता है वो आपका बनता है अगर मैलेट स्पार्टेट की बात करें तो। NADH कैन नॉट गेट इन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इसको लाने के लिए इट फॉलोज द 2 पाथवेज। वन इज नोन एज ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, जो कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल्स की वजह से ये गेट
FADH2 में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर टू द FADH2 एंड 1.5 ATP बनाता है। एंड जब ये मैलेट स्पार्टेट शटल से जाता है तो ये 2.5 ATP बनाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जब FADH2 या जब केसेस में बात करेंगे तो 2 ATP का फर्क आ जाता है, ठीक है, दो साइकिल की वजह से 2 ATP का फर्क आ जाता है। तो एट NADH और ये 20 तो इस तरीके से चल ही रहा था, फिर 2 FADH2, फिर 3 ATP, 1 GTP, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इतने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और इतना जो है आपके साइटोसोल में हो रहा है। तो साइटोसोल में 5 और 7 का फर्क आ रहा है क्योंकि NADH के थ्रू जाएगा या FADH2 के थ्रू जाएगा, क्योंकि अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट फॉलो करेगा तो 1 ATP का डिफरेंस आ जाता है फॉर 1 NADH मॉलिक्यूल, 1 NADH मॉलिक्यूल जो होता है ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ अगर इस चीज को देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक के केसेस में दिस इज द केस, प्रोडक्शन ऑफ ATP, एसिटाइल को एंजाइम ए, 3 NAD+, FAD, GDP, और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। एक ग्लूकोज से 32 ATP, पायरुवेट से 12.5, एक एसिटाइल को से 10 ATP, एक सस्कीनिल को एंजाइम से 5 ATP, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 33 ATP, क्योंकि 1 ATP कम यूज होता है, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी 33 ATP जो होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो है आपको बताई जा रही थी, तो होप कि ये सारे आपको क्लियर होगा। ये जो पहले 3 ATP का कॉन्सेप्ट था ये गड़बड़ है, ध्यान रखना कि ये जो है पहले गड़बड़ था, अब थोड़ा सा चीज़ें सही हो गई हैं, क्योंकि ये है 2.5, ये है 2.5, ये है 2.5, ये है 1.5, ठीक है, इस तरीके से जो है आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं पाइरुवेट टू एसिटाइल को, ये है 2.5, और इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखेंगे कि ये कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, पाइरुवेट से लेके ये 12.5 का केस बनेगा, ठीक है। सो 12.5 ATP जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप फेट के ऊपर बात करें तो देखो जो CO2 यहाँ पे लेबल किया था ये लेबल्ड ही रह जाता है, ये आगे जो है रिलीज जो होता है वो ये वाला होता है, पहला CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ है सीयर, और दूसरा वाला ये वाला CO2 जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली वो CO2 रिलीज होता ही नहीं है जो कि एसिटाइल को एंजाइम से इनकॉर्पोरेट होता है। इसके अलावा रेगुलेशन के लिए देयर इज सम इनहिबिटर जैसे कि आयोडोएसीटेट विच इनहिबिट द एकोनिटेज, एकोनिटेज को इनहिबिट करने वाला फ्लोरीएसीटेट होते हैं, एंड देयर इज सम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्सिनेट और फ्यूमरेट के लिए दिस इज एन एंजाइम, ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच इज नोन एज मेलोनेट जो कि सक्सिनेट से कॉम्पीट करता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम करता है। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आओगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।